आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमको मेन टैक्स समझना है, हर किसी को टैक्स ही समझना है। तो सबसे ज़रूरी आपको क्या, देखिए यहाँ पे हमको ठीक है, बिहार को 15,000 करोड़ दे दिए, आंध्र प्रदेश को 26,000 करोड़ दे दिए, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे हमको कितना टैक्स देना है। तो मैं पर्टिकुलरली टैक्स की बात करूँगा, और मेरे हिसाब से मुझे कोई खास पसंद नहीं आया जो मैंने उम्मीद की थी सरकार से, उसके उलट निकला। मिडिल क्लास एक इंपॉर्टेंट वोट बेस है सरकार का, और मिडिल क्लास को बस कुछ दिया नहीं, झुंझुना पकड़ा दिया है, ठीक है ना। इनफैक्ट इसी वजह से कल स्टॉक मार्केट नीचे गया। मुझे लगता है सरकार को थोड़े टफ डिसीजंस लेने चाहिए थे। स्लैब्स जो है वो ऊपर नीचे, 1 लाख से ऊपर की है, बट स्लैब्स ऊपर नीचे करनी चाहिए थी। और कुछ चीज़ें तो जैसे इंडेक्सेशन की अगर बात करें तो वो हटा दिया, तो वो खैर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम कर दिया, तो इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। टैक्स में बेसिकली क्या हुआ है वो चीज़ देखेंगे। बस मुझे एक इसमें बहुत अच्छा लगा जो यहाँ पे हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू किया जाएगा, ये बोला है। यानी कि नए कानून की बात है इनकम टैक्स की, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले बजट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिले। बस ये एक अच्छा था कि इनकम टैक्स एक्ट को हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा लक्ष्य बैच जो कि 1 साल का हमने 10,000 का चलाया है, उसको ज़रूर आप अवेल करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आंसर राइटिंग की क्लासेस परसों से शुरू हो चुकी हैं, प्रैक्टिस करवाई जा रही है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। 600 रुपये का कोर्स हमने निकाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया, और बेसिकली क्या क्या हुआ है हम सीधा इस पॉइंट पे आते हैं, फालतू चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, जो इधर उधर की, जो हमारे इतने मतलब की नहीं है। हमारे मतलब की है टैक्स, समझ लो, हमारे मतलब का है टैक्स। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सैलरीड क्लास को क्या दिया है। अब देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 25,000 ज़्यादा की दे दी है, 50,000 से 75,000 कर दिया, यानी कि लगभग 17,500 का आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो 17,500 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कम सैलरी पे टैक्स लगेगा, आप स्लैब कम वाले पे आ जाओगे। बट चलो, अब ये देख सकते हैं आप, 17,500 तक मैक्सिमम आप इतना सेव कर सकते हो, ये भी रखना। और याद रखना पहली बात, ये न्यू टैक्स रिजीम में है, ये कान खोल के सुन लो, ये न्यू टैक्स, अच्छा लिखा भी हुआ न्यू टैक्स रिजीम में है, ओल्ड वाली में जिसमें आपको खूब सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं उसमें नहीं है। और भारत में सैलरीड क्लास ओल्ड पे ही है, न्यू पे नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम लोग, क्योंकि लोन ले रखा है, बहुत सारी और चीजें ले रखी हैं, तो वो ओल्ड पे ही है, तो ओल्ड पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। 1-1 लाख से स्लैब बढ़ा दी है कि 0 से 3 लाख तक जो है वो कोई टैक्स नहीं देना है, 3 से 7 लाख यानी कि जो 4 लाख पे टैक्स लगेगा वो 5% का लगेगा, इसी पे ही एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद 7 से 10 लाख पर 10% का टैक्स लगेगा, पहले 6 था अब 7 कर दिया, फिर 10 से 12 तक 15 लाख का टैक्स लगेगा, 12 से 15 तक 20%, और 15 से ऊपर पहले भी 30 था अभी भी 30 है। तो ये नई आपको स्लैब्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, और 75,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी है। और जो हमारे पूर्वज कह रहे हैं, मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं पेंशनर्स, ठीक है ना, खैर हमारे पूर्वज तो बढ़िया थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, है ना, 25,000 तक, 15,000 पहले था, अब 25,000 डिडक्शन हो गई है, यानी कि एक तरीके से आपकी जो पेंशन आती है उसमें कम टैक्स सरकार लेगी। ओके, तो ये चीज़ है। बट देखिए, 75,000 की डिडक्शन है, स्लैब्स में बदलाव करने पड़ेंगे मेरे भाई, सिंपल सी बात है। कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर एक कोई किसान स्ट्रॉबेरी से पैसा कमा रहा है 4 लाख रुपये महीना, और एक सैलरीड पर्सन, एक क्लर्क जो है वो पैसा कमा रहा है 25,000 रुपये महीना, तो मुझे आप बात बताइए कि एग्रीकल्चर वाला उसको टैक्स नहीं देना है और सैलरी वाले को टैक्स देना है, तो यहाँ कहाँ का न्याय है माय लॉर्ड। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी पैसा कमा रहा है आप उससे टैक्स लो और सर्विसेज दो, ये हमने कल भी यही बात हमने करी थी, ठीक है ना। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ये NPS की, ठीक है। अब क्या है कि इसमें 10 से 14% तक बढ़ गया है, 10-14% एग्जिस्टिंग थ्रेशोल्ड जो है, पहले 10% था। इसमें क्या है कि कंट्रीब्यूशन जो आपको नौकरी दे रहा है, जैसे हम मान लीजिए कि जो कंपनी आपको रखे हुए है वो पहले 10% तक कंट्रीब्यूट करती थी, है ना, अपनी तरफ से, अब वो 14% कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये एक अच्छी बात हुई है, है ना, कि आपको नौकरी पेंशन जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको टिपिकली जो है वो पैसा थोड़ा सा और ज़्यादा, क्योंकि कंपनी जो है पहले 10% थी, यहाँ पे 14% जो है वो दे रही है। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स विल बी अवेलेबल अगेंस्ट टैक्स विथहेल्ड ऑन द सैलरी इनकम बाय द एम्प्लॉयर। इसमें क्या होता था, देखिए,
जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ, कोई कंपनी है वो आपका टैक्स काट रही, काटती है। अब क्या है, टीडीएस कटता है, जो टीडीएस कटता है या जो भी टैक्स कट रहा है, मान लीजिए एग्जांपल, अब मान लीजिए कि ज्यादा टैक्स कट गया, कम कटना था या उतना ही कटना था, ज्यादा टैक्स कट गया तो आपको रिफंड आ जाता था, है ना, आपको पैसे वापस मिल जाते थे। अब जब आपको पैसे वापस मिलते थे उसमें हमको डीले देखने को मिलता था। यहां पे बोला है कि भैया 1 अक्टूबर तक, मतलब कोई डीले नहीं है, उसी समय तुरंत फाइनल करो जब भी आप काट रहे हो, और 1 अक्टूबर मतलब ये डेट दे दी गई है कि अब यहां पे डीले देखने को आपको रिफंड, अगर आपका टैक्स कटा है, ज्यादा कटा है, तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये यहां पे बोला गया है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म रेट्स, चलो 1 ईयर शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो इक्विटी पे, म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयर्स, उसको 20% तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको भी बढ़ाया गया है डबल। तो भाई जो डेली शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको जब भी वो खरीदेंगे बेचेंगे टैक्स देना पड़ेगा गुरु, है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा। और इसीलिए कल जो आप स्टॉक मार्केट देखोगे ना वो नीचे गया, बाद में उसने रिकवरी की, तो एक तरीके से पहले 15% था, अब ये 20% जो है, यानी कि अगर 1 साल से कम, अगर आप शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल गेन है, कोई आप कैपिटल होल्ड कर रहे हो, ये आपका म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी हो गई, या तो उस पर अब आपको 20% तक टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑन द सेल ऑफ अदर फाइनेंशियल एसेट्स और बाकी फाइनेंशियल एसेट्स पे, इनको छोड़ के जो ये लिखा हुआ है वो 30% देना पड़ेगा, जो कि बस 23 जुलाई कल से ही एक्टिव हो गए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है, घटा दिया गया है, 12.5% तक कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ये 10% था। अब देखिए यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बोला है कि जितने भी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है, दैट दे विल अट्रैक्ट द टैक्स रेट ऑफ 12.5% अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 10%। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर इंडेक्सेशन की बात आएगी दोस्तों, इंडेक्सेशन यहां ये चीज जो है ना ये असर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन है, पहले देखिए जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल, जो भी आपने कैपिटल होल्ड किया 1 साल से ज्यादा, लंबे समय तक आप कैपिटल होल्ड करके रख रहे हो, तो उसमें एग्जेम्पशंस मिलती थी, ठीक है ना। अब ये जो लिमिट है इट विल बी इनहांस्ड 1.25 लाख पर ईयर। एग्जिस्टिंग थ्रेशोल्ड कितना था, 1 लाख, यानी कि एक तरीके से आपकी जो एग्जेम्पशन है वो इनहांस कर दी गई है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया गया है, ये टैक्स बढ़ा दिया गया है। एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, भूल जाओ एग्जेम्पशन बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, वो कर दिया, ये कर दिया, अगर आपको किसी पे टैक्स देना ज्यादा पड़ रहा है तो वो कहीं से अच्छी बात नहीं है। तो आप बस ऐसे समझ लो, अगर टैक्स बढ़ाया है या कोई ऐसी सुविधा है जो आपको मिल रही थी वो हटा दी गई है, तो ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एंजल टैक्स हटाया, हम उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रगुजार है सरकार का, ये बहुत समय से इस पे बात कर रही थी कि एंजल टैक्स हटाइए। कोई टैक्स हट रहा है, कोई टैक्स कम हो रहा है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी गई है, उसमें आपको 17,500 की बचत होगी, तो ये अच्छी बात है, दैट्स गुड, ठीक है ना। स्लैब 1-1 लाख से बढ़ा दी गई है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं ना, वो जो टैक्स है, ठीक है ना, वो बढ़ा दिए गए हैं, जो कि कहीं से भी सही बात नहीं है। बाकी जो अनलिस्टेड डिबेंचर्स, डेट, म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक्ड है, अब इस पे भी यहां पे कैपिटल गेन टैक्स मिलेगा अवेलेबल रेट्स पे, जो भी रेट्स होंगे। तो ये थोड़ा सा इन सब पे जो टैक्स, मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट, इक्विटी, बॉन्ड, डेट, ये सब खरीदते बेचते हो, तो उस पर अच्छा खासा टैक्स लगेगा। 1 साल से कम है तो भी बड़ा है, और 1 साल से ज्यादा आप बेच रहे हो तो भी आपको टैक्स यहां पे देखने को मिलेगा। तो यही सारी चीजें यहां पे लिखी गई हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 40% से 35% कर दिया है, जो कि ठीक है। अब उसके बाद बायबैक क्या होता है, जो कंपनी अपने ही शेयर खरीद लेती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप शेयर होल्डर हो, आपने मेरे शेयर खरीदे, फिर मैंने अपने ही शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो यहां पर एग्जेम्पशंस दी गई है, लेकिन एग्जेम्पशंस जो है उसको विड्रॉ कर दिया गया। पहले एग्जेम्पशन दी जाती थी, ठीक है, अब एग्जेम्पशन को भी विड्रॉ कर दिया गया। अब अगेन कोई आपको एग्जेम्पशन की सहूलियत, अगर आपको कोई सहूलियत दी जा रही है कुछ पैसे की, वो विड्रॉ कर जाए तो ये भी अच्छा नहीं है। बट यहाँ पे और एक चीज़ सरकार ने की है कि जो भी इस तरीके के शेयर्स हैं वो एक कैपिटल लॉस माने जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपने ज़्यादा पे मेरा शेयर खरीदा, मैंने कम पे खरीदा, ठीक है ना, मैंने अपने शेयर को वापस खरीद लिया, एक कैपिटल लॉस माने जाएगा। और जो बाद में, मान लीजिए कि मैं अपने शेयर
जो कैपिटल गेन होगा मेरा, ठीक है, जब बेचूंगा मैं उस पर मेरा जो भी गेन होगा उसको इसी से सेट ऑफ कर दिया जाएगा, राइट। तो यहां पे हमको ये चीज देखने को मिल रही है, जो कि आप ठीक भी कह सकते हैं, खराब भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद होल्डिंग पीरियड की अगर बात करते हैं तो भैया यहां पे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जो भी लिस्टेड एसेट्स हैं, वो एक साल, वन ईयर यहां पे होल्डिंग पीरियड दिया है। और जो ऑल अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है, ये लॉन्ग टर्म बोले जाएंगे तब 2 साल है। तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिफरेंस बताया है यहां पे बस, कि अगर आपका जो लिस्टेड है, ठीक है ना, जो स्टॉक मार्केट है जगह जो लिस्टेड एसेट्स है, ठीक है ना, वो 1 साल तक अगर आपके पास है या उससे ज्यादा तो वो लॉन्ग टर्म होंगे। और जो नॉन लिस्टेड है वो अगर 2 साल तक है उससे ज्यादा तो उसको लॉन्ग टर्म बोला जाएगा, उसके नीचे तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना। 1 साल में कुछ आपने अगर 1 साल से कम में बेच दिया तो यू नो वो शॉर्ट टर्म। फिर उसके बाद चलिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यही है। अब उसके बाद TDS पे आ जाओ। TDS प्रोविजंस की बात करें तो भाई यहां पे जो मर्जिंग है वो दैट इज 5% जितने भी पेमेंट्स हैं, ठीक है ना, अगेंस्ट 2% TDS सेट, और 20% ये पेमेंट्स ऑन रीपर्चेज ऑफ यूनिट, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए उसमें लगेगा। एक इंडेक्सेशन की यहां पे स्लाइड थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे इंडेक्सेशन कि चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये है कि अभी मैं अपनी वाइफ से डिस्कस ही कर रहा था, वो इंडेक्सेशन हटा दिया है, ठीक है। ये मुझे लगता है ये बहुत सही नहीं रहा, ये आई थिंक ये प्रॉपर्टी मार्केट को एक बहुत बड़ा झटका है जो इंडेक्सेशन ही रिमूव कर दिया है। इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए आज से मैंने 20 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अब आपको पता ही है कि 20 साल पहले, जैसे मैं आपको अपने ही एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे सभी प्रॉपर्टी खरीदी है 20 साल पहले, मेरा बड़ा मन था प्रॉपर्टी, पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, है ना। मेरे पिताजी के पास तो बड़ा मुश्किल था, वो सैलरी क्लास थे, लोन्स भी उस समय बड़ा मुश्किल होता था। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे थी 20 लाख रुपए की LDA में, मतलब एकदम प्राइम लोकेशन पे। आज वो प्रॉपर्टी का दाम होंगे तकरीबन 2 करोड़, ठीक है ना, तकरीबन 2 करोड़। अब क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी कब 20 लाख की, आज उसके दाम कितने हैं, 1 करोड़ मान लेते हैं, वैसे तो 2 करोड़, 1 करोड़ मान लेते हैं सिंपलीफाई के लिए। 80 लाख का डिफरेंस आया, 80 लाख का डिफरेंस आया। अब ये जो 80 लाख है, इस पे टैक्स लगेगा, इस पे टैक्स लगेगा, लेकिन सरकार क्या करती है, एक बेसियर ले लेती है। बेसियर क्या था? 2001। हाँ, तो एक बेसियर ले लिया 2001। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल, अब 1991 में ये 1 लाख की प्रॉपर्टी होगी, है ना, 1991 में। अब आज इस प्रॉपर्टी की कीमत है 1 करोड़, ठीक है, तो 99 लाख पे टैक्स पड़ना चाहिए, लेकिन सरकार ने एक बेसियर लिया है 2001 का, जैसे बेसियर है, तो अब 2001 में प्रॉपर्टी की कीमत है 20 लाख, यानी कि आपको 99 लाख पे नहीं, 20 लाख माइनस 1 करोड़, 80 लाख पे टैक्स देना है, यानी कि 20 लाख की आपकी बचत। समझ गए? फिर से मैं समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि, है ना, मान लीजिए जैसे बहुत आप पुरानी अपने प्रॉपर्टी ली और सरकार ने आपने बेसियर सेट किया है, ठीक है ना, तो उस बेसियर से डिफरेंस काउंट होगा और इन्फ्लेशन भी एडजस्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि कम चीज पे आपको टैक्स देना है, लेकिन अब ये हटा दिया गया है, इसका मतलब पता है क्या है कि आप वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आपने जब से प्रॉपर्टी ली और अभी क्या रेट है, उस पूरे के पूरे पीरियड को काउंट किया जाएगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि भाई बहुत लोगों ने बड़ी सस्ते में प्रॉपर्टी ली होंगी पहले, बहुत सस्ते में, लेकिन आज उसके रेट कहां के कहां पहुंच गए। अब खैर ये कह रहे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ना, लेकिन दोस्तों वही कह रहे हैं कि ये यू नो इट्स नॉट, मतलब ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। बाकी पेनल्टीज एलिमिनेट कर दी गई है, ठीक है, जैसे कई बार डिले हो जाता था, है ना, वर्किंग प्रोफेशनल और TDS फाइलिंग करने में, तो उसके लिए पेनल्टी जो है वो अब नहीं लगेगी, ठीक है, ओके। अब उसके बाद रीअसेसमेंट जो है, इट ऑल्सो कैन बी इनिशिएटेड, ठीक है। अब आपको बता दूं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो टैक्स की बात है यहाँ पे, टोटल जो निर्मला सीतारमण ने टैक्स बेनिफिट दिए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छी बात है, वो ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। बाकी मुझे टैक्स में, क्योंकि ज़्यादातर या तो कहीं एग्जेम्पशन हटा दी गई है जो आम आदमी है, ठीक है, और जो स्टॉक मार्केट जो लगातार ट्रेड करता उसमें भी दिक्कत है, आपको लगता था मस्त जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे उसमें भी टैक्स लगा दिया गया है, ओके। तो एक तरीके से टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल उलट बजट आया है। मुझे लग रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को इस बार, मतलब देखिए मिडिल क्लास, मैंने बताया ना कि इनका एक बहुत ही वोटर ग्राउंड, फर्म वोटर ग्राउंड है, कहते हैं ना कि जैसे अमेरिका में एक स्विंग वोटर्स है और एक फिक्स्ड वोटर है ये जो इनका मिडिल क्लास है, ठीक है, वो जो अच्छा काम करके उसको देंगे।
लेकिन अब बात यह है कि जहां तक लग रहा था कि शायद कुछ रियायत दे, बट ऐसा सच रियायत नहीं मिली। और मैं पर्सनली इस बजट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक दो चीज़ें छोड़ के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम बहुत ज़्यादा तारीफ कर सके। चलिए अब बाकी बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।